दोस्तों आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की एक मैजिकल फॉर्मूला के बारे में, जिसे कहते हैं फॉर्मूला ऑफ 60/40 पोर्टफोलियो। इस फॉर्मूला के अनुसार आपके टोटल पोर्टफोलियो का 60% एक्सपोजर होना चाहिए इक्विटी में और बाकी बचा 40% होना चाहिए डेट में। इक्विटी यानी कि स्टॉक्स फॉर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न एंड डेट यानी कि बॉन्ड्स फॉर द सेफ्टी ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। मॉर्गन स्टेनली की एक रिपोर्ट के अनुसार बाय 30th June 2022 इस 60/40 फॉर्मूला का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रिजल्ट रहा है -16%। यूरोपियन कंट्रीज में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया में इस मैजिकल फॉर्मूला का परफॉर्मेंस रहा है -2%। दोस्तों इंडिया में एक मॉडरेट इन्वेस्टर हु वांट्स टू बीट इन्फ्लेशन एट वेरी लो रिस्क कैन इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी कॉल्ड 60/40 पोर्टफोलियो। दूसरा, ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए भी बेस्ट सुटेबल है जो कि अपने लिए ऑलरेडी वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं, जो कि अब अपने पोर्टफोलियो को इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट करके अपनी ओवरऑल वेल्थ को प्रिजर्व करना चाहते हैं। दोस्तों आज तक अक्रॉस द ग्लोब ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही है, क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया में इक्विटी और डेट के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिला है। बट दिस ईयर इट्स डिफरेंट। इस साल दोस्तों ऐसा हुआ है कि बोथ इक्विटी एंड डेट यानी कि स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैव फॉलन डाउन साइमल्टेनियसली, रेजिंग क्वेश्चंस ओवर दिस स्ट्रेटजी कॉल्ड 60/40 पोर्टफोलियो। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से 2018 के बाद पहली बार इंडिया में ऐसा देखने को मिल रहा है कि दिस ईयर 60/40 पोर्टफोलियो इज ऑन द रूट टू गिव नेट नेगेटिव रिटर्न्स। बाय द वे, कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज द आउटपुट ऑफ एन अमेजिंग आर्टिकल विच आई रेड ऑन माय प्रीमियम वर्जन ऑफ लाइव मिंट। आई पर्सनली प्रीफर लाइव मिंट बिकॉज ऑफ नो एड्स, इन डेप्थ सेक्टोरियल एनालिसिस, अनलिमिटेड प्रीमियम आर्टिकल्स, ई पेपर एंड आर्काइव्स, एक्सक्लूसिव न्यूज लेटर्स, रेगुलर अपडेट्स ऑन व्हाट्सएप एंड द बेस्ट ऑफ द वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसकी सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग कुछ इस तरह से है। जहां अगर आप मेरे कूपन कोड MINTJI25 को यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, किसी भी पोर्टफोलियो का रिटर्न डिपेंड करता है द काइंड ऑफ एसेट एलोकेशन एंड पेपर्स यू पुट इन योर पोर्टफोलियो, जिसके लिए क्रेडेंस वेल्थ एडवाइजर्स के फाउंडर एंड CEO मिस्टर कीर्तन शाह का सजेशन है कि इक्विटी साइड में आपको इक्वल एक्सपोजर देना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स को, और डेट साइड में आपको फोकस करना चाहिए ड्यूरेशन रिस्क वाले पोर्टफोलियोस पर, क्योंकि अगले 2-3 सालों में इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट टॉपिंग आउट और इसी वजह से ड्यूरेशन एज अ प्ले विल लुक वेरी इंटरेस्टिंग। साथ ही अगर आपने इक्विटी पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर दे दिया तो आप बहुत ही आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, सेपरेट पोर्टफोलियो ऑफ 60% इन इक्विटी फंड्स एंड 40% इन डेट फंड्स, और यू कैन सिंपली गो विथ हाइब्रिड फंड्स, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हाइब्रिड फंड में जो भी रीबैलेंसिंग होती है उस पे आपको कोई भी एग्जिट लोड या टैक्स पे नहीं करना पड़ता। एट द सेम टाइम इसका नुकसान ये है कि आपकी इच्छा अनुसार इसके पोर्टफोलियो में इक्विटी को एलोकेशन नहीं दिया जाएगा। अब आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करो या ना करो, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इन्वेस्टर्स के लिए 60/40 इज नॉट अ मैजिकल फॉर्मूला, इसलिए आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। बिकॉज द की aspects ऑफ बिल्डिंग एनी पोर्टफोलियो depends upon योर रिस्क appetite एंड योर टाइम horizon, जिसके लिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि एग्रेसिव ग्रोथ के लिए अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको सिलेक्ट करना चाहिए 80/20 या 90/10 पोर्टफोलियो, वेयर 80 एंड 90 आर द एक्सपोजर टू इक्विटी एलोकेशन। स्टेबल ग्रोथ के लिए एज अ मॉडरेट इन्वेस्टर यू कैन डेफिनेटली गो विद द पोर्टफोलियो ऑफ 60/40। वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए एज अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर यू मस्ट सिलेक्ट द पोर्टफोलियो ऑफ 20/80, वेयर ओनली 20% गोज टू इक्विटी एंड रिमेनिंग 80% गोज टू डेट एलोकेशन। बस एक चीज ध्यान रहे कि इन सारे सिनारियो में बीटिंग द इन्फ्लेशन मस्ट बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। जहां हेजिंग के लिए आप अपने पूरे पोर्टफोलियो का 5% या उससे कम एक्सपोजर दे सकते हो गोल्ड को, बिकॉज इफ दिस सो कॉल्ड मैजिकल फॉर्मूला फेल्स, गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो विल बी द बेस्ट सर्वाइवर।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ, हैप्पी इन्वेस्टिंग, जय हिंद।